अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शमीम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें ताकि इसी तरीके से आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। और यहाँ पर मैं आज आपको क्या सिखाने जा रही हूँ, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। यानी टुडे जो हमारी क्लास है वो OL हमने मेंशन किया हुआ है, ऑर्डर लिस्ट लिस्ट आइटम LI टैग के अंदर, और अनऑर्डर लिस्ट को हमने क्या लिया है, UL यानी अनऑर्डर लिस्ट, और लिस्ट आइटम अनऑर्डर लिस्ट में भी यूज़ होगा। तो ये होता क्या है, मतलब ये कि ये हमारा देखिए हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि आपको पता है स्ट्रक्चर हमारा लाजमी बनता है, तो बॉडी के अंदर हमने कमांड अप्लाई करनी है और इससे हमें आउटपुट क्या मिलेगा वो आपने अभी देखना है। यानी जहाँ हमें बुलेट्स या नंबरिंग की नीड हो या लिस्ट टाइप कुछ काम करना हो, लिस्टिंग करनी हो, तो इसके लिए हम इन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले OL का टैग लगाते हैं, यानी ऑर्डर लिस्ट हम बनाना चाहते हैं। हम बीच में भी ये टैग टाइप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा खुला खुला आपको नज़र आए तो मैंने एंटर करके नीचे कर दिया है टैग को। बीच में भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा LI लिस्ट आइटम और इसका क्लोजिंग टैग LI लगा दिया, यानी ऑर्डर लिस्ट का भी मैंने क्लोजिंग टैग लगाया OL, और ये देखें इसका क्लोजिंग टैग ये नीचे LI का क्लोजिंग टैग आपको यहाँ नज़र आ रहा है। और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर लिस्टिंग होगी। कंट्रोल सी एंटर, कंट्रोल वी फिर एंटर, कंट्रोल वी अगेन एंटर, कंट्रोल वी। अब इसमें कितने नाम आपने लिखने हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जितने आपने कॉपी पेस्ट किए उतने ही नाम फिलहाल आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ नाम लिखे, जूम में कम कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट लेते हैं बीच नाम, आप फ्रेंड्स के, दोस्तों के, किसी के भी जो भी लिस्टिंग में नाम चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ फ्रूट्स नेम लिख रही हूँ, ठीक है। और कंट्रोल एस सेफ है ऑलरेडी, फाइल नाम से लिस्ट के नाम से मैंने सेव करवा दी थी .html लिखकर। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और इसका ब्राउजर देखते हैं, ये रही हमारी लिस्ट, ठीक है। और इस पर हमने डबल क्लिक किया और हमारा प्रीव्यू हमें शो हो जाता है। वेट अ मिनट, ये देखिएगा, ये जूम मैंने बढ़ाई कंट्रोल प्लस से, तो ये देखें लिस्टिंग हो गई है। अगर इन्हीं नामों को हम बढ़ाते रहेंगे तो ये लिस्ट नीचे बढ़ती रहेगी। यानी कैसे, अगर मैं कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा दूँ, OL को छोड़ दिया हमने, सिर्फ LI को लिया है कंप्लीट, कंट्रोल सी कर्सर को एंड में रखा, फिर एंटर किया और कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल एस, और यहाँ से जाकर हमने इसको रिफ्रेश किया और ये देखें। यानी इस तरीके से आपकी लिस्ट जितने नाम ऐड करते जाएंगे लिस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। आपको सिखाने के लिए मैंने उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया था। और अगर ये नंबर्स आपको स्टार्ट वन से नहीं लेने, बाय डिफॉल्ट ये वन से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया स्टार्ट, ठीक है, और ये स्टार्ट लिखा हुआ भी आ रहा है, हमने वहीं से उठा लिया, इक्वल इन्वर्टेड कॉमास, और आप कहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हैं 101 मैंने लिख दिया, कंट्रोल एस किया। तो अब अगर आप देखें कि आप अपनी लिस्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक स्टार्ट दे सकते हैं, ये देखें, ठीक है। और जहाँ से भी स्टार्ट देना चाहें, दोबारा हम अपने टेक्स्ट एडिटर पर आ चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसको वन से स्टार्ट रखते हैं, यानी OL में जो टाइप फिलहाल आ रही है वही रखते हैं, और नामों को भी कम रख लेते हैं ताकि नीचे तक आपको फाइल नज़र आती रहे। इसको मैंने अगेन सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया और बैक स्पेस दोबारा से इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, वापस नीचे आए। OL इसी लिस्ट को थोड़ा सा और तरीके से यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरा OL के साथ, कंट्रोल सी, एक नई लिस्ट बना रहे हैं इसलिए OL को भी हमने साथ लिया, कंट्रोल वी, और यह तो एज इट इज आ जाएगी, लेकिन हमने यहाँ क्या करना है, टाइप बतानी है। एंटर प्रेस किया, इक्वल इन्वर्टेड कॉमास, और हमें यहाँ पर टाइप यानी रोमन में चाहिए, तो हमने यहाँ पर आई ले लिया, यानी स्मॉल आई ले लेते हैं, चलिए ठीक है। और ये हमारे पास देखें आई आ गया है, कंट्रोल एस किया और इसको हमने रिफ्रेश किया और ये देखें 4 नेम्स रखे थे और ये देखें रोमन में आ गए सारे नाम। ऑल टैब, यानी कि यहाँ से हम दोबारा अपनी फाइल पर जिस पर जाना चाहते हैं ऑल टैब के ज़रिए आप आ सकते हैं, यानी कि जिस फाइल पर भी आप जंप करना चाहते हैं वो फाइल आप यहां से इस तरीके से व्यू कर सकते हैं।
ठीक है, और हमारी ये फाइल यहाँ पर मौजूद है, बराबर में बंद नहीं हुई थी। ठीक है, अब दोबारा से कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे, लेकिन हम सोचें इसको पूरा ही कंप्लीट ले लेते हैं, कंट्रोल सी और एंटर, कंट्रोल वी, और इस बार अगर हम टाइप ले लें शिफ्ट आई मतलब कैपिटल आई, और एक दफ़ा और पेस्ट करते हैं ऑर्डर लिस्ट के बिल्कुल एंड में जाके, फिर एंटर अगेन, कंट्रोल वी पेस्ट, ओ एल देखिएगा स्टार्टिंग में टाइप भी आ रही है, वहाँ कैपिटल आई लिख दिया था, यहाँ हमने ए लिख दिया। ठीक है, और अगर एक दफ़ा और पेस्ट करवा लें, ठीक है, कंट्रोल वी, और इस बार यानी हर एक में मैं टाइप चेंज करती जा रही हूँ, कैपिटल ए लिख दिया यहाँ मैंने, और कंट्रोल एस किया, और हम अपनी फाइल पर यानी ब्राउज़र पर दोबारा आए, रिफ्रेश किया, और यहाँ आप देखते जाइएगा, देखें इस तरीके से हमारे पास ये लिस्टिंग आपको नज़र आ रही है। टैग को चेक कर लेते हैं, टैग बंद हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और ये देखें लास्ट में हमारे टैग बंद नहीं हुए, कौन से वाले, ये वाले, इससे लिस्ट प्रॉपर नहीं आई। यहाँ इसको एंड करते हैं, ओ एल, ऑर्डर लिस्ट यहाँ क्लोज नहीं थी क्योंकि रिजल्ट में फ़र्क आ रहा था, तो हमने देखा कि लिस्ट हमारी एंडिंग नहीं हुई, यानी ओ एल का टैग बंद नहीं हुआ, कॉपी करते हुए हम कॉपी नहीं कर सके, तो इसको कंट्रोल एस सेफ, और अब जाके चेक करते हैं और लिस्ट को प्रॉपरली देखते हैं, रिफ्रेश करवाते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, कहाँ गई हमारी फाइल, F5, या फिर ऊपर से भी शायद कहीं से लिस्ट हमारी ओपन है, और चेक कर लेते हैं, ओ एल का टैग हमने बंद किया है, ओ एल, और ऊपर आके चेक करते हैं और कहाँ से ओपन है हमारा टैग, ओ एल इधर हमारा ओपन है, इधर क्लोज है, और यहाँ वाला टैग हमारा बंद नहीं है, ये रहा। ठीक है, यहाँ एंटर किया, यकीनन टैग कहीं ना कहीं खुला हुआ है, इसलिए वो वहाँ पर लिस्टिंग हमारी प्रॉपर नहीं आ रही है, लेकिन इस तरीके से भी काम हो सकता है, वो मैं आगे क्लास में बताऊंगी आपको सब हेडिंग्स बनाने के लिए। और देखें लिस्ट हमारी पूरी सेट हो गई है, कंट्रोल माइनस जूम कम करके दिखा देती हूँ, ये देखिएगा, यानी आपके पास 1, 2, 3 नंबरिंग में आ रही है, रोमन में आ रही है, यानी कैपिटल स्मॉल आई हमने दिए थे, कैपिटल ए ये नीचे है, स्मॉल ए यहाँ ऊपर है, मतलब जिस किस्म की टाइप हमने दी वो एक्यूरेट उसने हमें लिस्ट बना के दी, लिस्ट को मजीद बढ़ाया जा सकता है। एंटर प्रेस करते हैं, अब हमने हेडिंग डालनी है अनऑर्डर लिस्ट की, तो क्या करना है, हमने यहाँ पर यू एल लिखा, ठीक है, और ये यू एल लिखा हुआ भी मुझे मिल गया, तो हमने एंटर करके ले लिया, और यू एल का टैग हम क्लोज भी करेंगे, यानी आपने देखा था अगर क्लोज नहीं होगा तो लिस्ट प्रॉपर नहीं बनेगी, और ये देखें यू एल अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि ये हमें नंबरिंग नहीं देने वाला, बाय डिफॉल्ट क्या देगा एल आई, उसी तरीके से लिस्ट आइटम इसके अंदर भी आएंगे एल आई लिस्ट आइटम, और इसी तरीके से इनके अंदर भी, या फिर हम यही करते हैं तो ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, लिस्ट आइटम के नेम्स वही ले लेते हैं जो ऊपर लिखे हुए थे, या नाम वगैरह चेंज कर दें, फ्रेंड्स के नाम लिख दें, और यहाँ बीच में रखे कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया, यानी सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यानी यू एल डिफरेंस है, बाकी एल आई आपका वही है बिल्कुल उसी तरीके से। और अगर आप इसको रिफ्रेश करके देखें तो जूम को कम करते हैं, ये देखें अब आपके पास जो लिस्ट आई है वो एप्पल मैंगो पीच वगैरह जो लिखे हुए आ रहे हैं नेम, लेकिन सर्कल्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी अनऑर्डर लिस्ट थी, और जहाँ बीच में हमने इसको ऐड किया उसी जगह पर देखें उसने मैंशन करा दिया, अगर हम इसको लास्ट में रखते तो ये लास्ट में आ जाता है, यानी हमने यहाँ पर किसको अप्लाई किया अनऑर्डर लिस्ट, इसको उठाते हैं और अनऑर्डर लिस्ट को बीच में से निकाल के ले जाते हैं, कंट्रोल एक्स कट, ठीक है बिल्कुल यहाँ से इसको कट कर दिया है, और कट करने के बाद ओ एल के लास्ट में जाके कंट्रोल वी पेस्ट करते हैं, और देखते हैं क्लोजिंग टैग वगैरह सब साथ आ चुके हैं यू एल के, और अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ कर, तो ये देखें बिल्कुल लास्ट में आ गई है, क्योंकि हमने कहा इसको अलग से दिखा देते हैं क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट है। अच्छा जी, और इसी को दोबारा कंट्रोल वी पेस्ट करते हैं और इसकी भी टाइप दे देते हैं, और यहाँ पर आके एंटर टाइप लिखा हुआ आ गया है, इक्वल इन्वर्टेड कॉमास, और टाइप हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है लिखा हुआ भी मिल गया है, हम खुद भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, कंट्रोल एस, और अगर इसी की एक और टाइप निकाल लें कंट्रोल सी, बॉडी भी साथ आ जाएगा क्योंकि मैंने पेस्ट कर दिया, और कंट्रोल वी पेस्ट, और ये देखें इसको मैंने बॉडी क्योंकि डबल हो गया था सिलेक्ट हो गया था इसको हमने डिलीट कर दिया, सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट और स्क्वायर को हमने लिया था क्योंकि स्क्वायर की जगह हम सर्कल लिख देंगे, बाय डिफॉल्ट भी सर्कल है लेकिन ये जो हम लिखेंगे ये थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा।
यानी कि हम बाय डिफॉल्ट नहीं खुद से ले रहे हैं, लिखा हुआ भी दे दिया ऊपर कंट्रोल एस, और अगेन हमने यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश किया, और ये देखिएगा आप नीचे आपको स्क्वायर में, यानी अगर मैं जूम बढ़ा के आपको दिखाऊं इस तरीके से, ये देखें ये सर्कल आ गए हैं नीचे, ठीक है। और जूम बढ़ा लेते हैं, अगर आपको रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, ये देखिएगा ये सर्कल्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट सर्कल हैं जो बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर लिस्ट देता है, और ये स्क्वायर हैं। यानी इस तरीके से हमने क्या तैयार कर लिए, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।